हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब क्योंकि हम सारे ही लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, तो क्यों ना अपने हेयर केयर और स्किन केयर का ध्यान रखें। सो इसलिए आज मैं आपसे हेयर केयर वीडियो शेयर करने वाली हूँ। सो आज के वीडियो में मैं आपको एक हेयर मास्क बताने वाली हूँ, जो आई एम श्योर बहुत लोग के पास होगा, बट अगर आपके पास नहीं भी है तो आपको मेडिकल में या फिर ऑनलाइन आपको मिल जाएगा popul.com पर। सो येस, आई एम रियली एक्साइटेड। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। सो द स्टार ऑफ द वीडियो इज बायोटिक बायोमास्क रूट फ्रेश ग्रोथ नरिशिंग ट्रीटमेंट पैक इंटेंसिव हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट। मैं इसे ही यूज़ करने वाली हूँ। सो टब पर डायरेक्शंस टू यूज़ भी लिखा हुआ है। आप इसे एग के साथ या फिर योगर्ट कर्ड के साथ अप्लाई कर सकते हो और आपको इसे 30 मिनट्स अप्लाई करके उसके बाद शैम्पू कंडीशनर कर लेना है। सो चलो अब हम अपने हेयर पैक को रेडी कर लेते हैं। मैंने 2 स्पून्स ऑफ मास्क लिया है। सो इस मास्क में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं गाइस, जैसे मुलेठी पाउडर, आंवला पाउडर, बेदा फ्रूट और भी काफ़ी सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। और मैं आज यूज़ करने वाली हूँ एग। सो एग की तो बहुत सारी खासियत है, जैसे इट कंट्रोल्स हेयर लॉस, इट कंट्रोल्स डैंड्रफ एंड इट प्रिवेंट्स हेयर फॉल एज वेल, इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग हेयर ग्रोथ एज वेल। बहुत सारी बेनिफिट्स हैं। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी विस्कर से एंड या आर पैक इज रेडी गाइस। सो चलो अब इसे प्रॉपर मेथड से अप्लाई करते हैं। सो वेलकम बैक टू माई बालकनी गाइस। और एकदम ड्राई आपको हेयर रखना है, बिल्कुल भी वेट नहीं करना है इसे। और बेटर होगा कि आप इसे 1-2 दिन के बाद, अगर आप हेयर वॉश किए हो तो उसके 1-2 दिन के बाद ये अप्लाई करो मास्क। हाँ, मैं यही बता रही हूँ कि झाड़ू की तरह मेरे बाल हो गए थे। सो अब ये मास्क अप्लाई करेंगे और इसे नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे हम। सो हाफ ऑफ मैंने हेयर डिवाइड कर लिया है एंड यू नो व्हाट, द मास्क एग्जैक्टली स्मेल्स लाइक मेहंदी। अगर आपने मेहंदी कभी भी अप्लाई किया होगा तो उसी की तरह एकदम स्मेल करता है। और हाँ, मेक श्योर कि आप अपने जूनी पुरानी टी शर्ट वेयर कर लो, बिकॉज ये थोड़ा सा मैसी हो जाता है। इसलिए मैं अपने बालकनी में जाकर इसे अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरा रूम गंदा ना हो। और हाँ, आगे मैं फिर अपना बालकनी भी क्लीन करती हूँ, बहुत सारी मस्ती मैंने किया है, आप सब देखना आगे। सो बस मैं अच्छे से मास्क को अप्लाई कर ले रही हूँ पार्टीशन कर करके। पहले मैं स्कैल्प पर ही अप्लाई करूँगी, उसके बाद जो भी बचेगा मैं अपने हेयर स्ट्रैंड्स पर भी अप्लाई कर लूँगी। सो यस गाइस, एंजॉय इट। सो गाइज, द मास्क एप्लीकेशन इज़ डन और हमें इसे 30 मिनट्स के लिए ऐसे ही रहने देना है। सो अब करना ही क्या है, चलो बालकनी क्लीन कर लेते हैं। सो आई हैड सुपर फन गाइज, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया बालकनी क्लीन करने में। सो आप सब भी इंजॉय करो। Now I'll meet you after hair wash. So guys, I have washed my hair and I have applied shampoo and also conditioner. And you can see how playful my hair looks and so bouncy. So I hope आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।